नमस्कार दोस्तों, हर साल रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त को दो दिन मनाया जाएगा। वैसे तो राखी का त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना गया है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं, लेकिन इसके साथ ही घर के पालतू पशुओं, पेड़ पौधों को भी राखी बांधी जाती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को राखी बांधते हैं, लेकिन क्या ये सही है? क्या आप जानते हैं कि भगवान को राखी बांधनी चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो हमारी ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे भगवान को राखी बांधनी चाहिए या नहीं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन के दिन भगवान को राखी जरूर बांधनी चाहिए। भगवान को राखी बांधने से न केवल सुरक्षा मिलती है, बल्कि गिफ्ट में आपको वो आपकी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि कौन से भगवान को राखी बांधनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भगवान गणेश की। गणेश जी को प्रथम पूज्य भगवान माना जाता है। राखी के दिन सबसे पहले गणेश जी को राखी बांधनी चाहिए। गणेश जी को लाल रंग प्रिय है, इसलिए मान्यता है कि गणेश जी को लाल रंग की राखी बांधने से जीवन के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरे नंबर पर हैं भोलेनाथ। राखी का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सावन महीने का अंतिम दिन होने के कारण इस दिन भगवान शिव को राखी बांधने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तीसरे नंबर पर हैं भगवान विष्णु। बता दें श्रीहरि विष्णु का प्रिय रंग पीला है। विष्णु जी को पीले रंग की राखी बांधना विशेष रूप से फलदायी है। भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। चौथे नंबर पर हैं कान्हा। इस दिन कई बहनें लड्डू गोपाल को राखी बांधती हैं, लेकिन आपको बता दें भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे और उनकी रक्षा का इसी कारण जब द्रौपदी को हस्तिनापुर की सभा में दुशासन चीर हरण कर रहा था, तब भगवान कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के मान की रक्षा की थी। भगवान कृष्ण की राखी बांधने से सभी परिस्थितियों में वो रक्षा करते हैं, इसलिए रक्षाबंधन पर इन्हें राखी जरूर बांधनी चाहिए। पांचवें नंबर पर हैं हनुमान जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हनुमान जी संकट मोचक और रुद्र अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी को लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए। ऐसा करने से मंगल ग्रह को शांत किया जा सकता है और बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।